Assalamu alaikum dear students, today's our topic is how is federalism practiced. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस फॉर फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होना. परफेक्ट सफिशिएंट नहीं है, साथ में हमें कुछ चीजें भी होनी चाहिए जिसकी वजह से फेडरलिज्म सक्सेसफुल रहता है. नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. इंडिया में अभी तक फेडरलिज्म सक्सेसफुल है और इसके पीछे हमारा क्या रीजन था, वो था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर. तो आइए देखते हैं कि हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने ऐसे क्या चैलेंज फेस किए. चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स. Formation of states on the basis of language, this made India more united. Language policy was a major challenge. Hindi was the official language. States को form करना 1947 से लेकर आज तक बहुत सारी states form हुई. कुछ states की areas और boundaries जो हैं वो भी change होती रही. 1947 में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म किया गया. उस टाइम इसलिए किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहें. हर स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड नहीं किया गया. कुछ स्टेट्स को उनकी जियोग्राफी या कल्चर के बेस पर भी डिवाइड किया गया. उसके एग्जांपल्स हैं झारखंड और उत्तराखंड. हमारी कंट्री के लीडर्स को ये डर था कि ऐसे हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए. अभी तक के एक्सपीरियंस से हमें पता लगता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स की फॉर्मेशन से हमारा कंट्री और यूनाइट हो गया. और हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इजी हो गई. तो नो लैंग्वेज वाज मेड ए नेशनल लैंग्वेज. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 21 अदर लैंग्वेज टू. इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया. उनको शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है. इंडिया में श्रीलंका जैसा सिविल वॉर तो नहीं हुआ. पावर इक्वली भी शेयर की गई और हर लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, आप देखते हैं सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस क्या थे. आफ्टर 1947 इंडिया हैड ए सेम रूलिंग पार्टी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 1947 के बाद इंडिया में एक ही पार्टी मेजॉरिटी में रही, वो थी कांग्रेस. स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी. समटाइम्स द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेयर अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को कभी कभार अंडरमाइन कर देती है. ये तो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है. इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म 1947 के बाद स्ट्रांग नहीं था. आफ्टर 1989 ड्यू टू मल्टी पार्टी सिस्टम कोलिशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड. दिस मेड इंडिया ए स्ट्रांग फेडरल कंट्री. 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से. इस टाइम ये चीज बंद हुई और फेडरलिज्म इंडिया में स्ट्रांग होने लगा. हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में पहले से स्ट्रांग नहीं था, पर 1989 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद और स्ट्रांग हो गया. This was all about this lecture. Thank you.